हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नैन्सी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल 99C। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं नैनीताल में हूँ, तो टुडे इज डे 2 इन नैनीताल। तो आज हम क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, वो सब आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आपको, आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आप नहीं जानते हो, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी नैनीताल में हूँ। और आपने पिछले वाले व्लॉग्स नहीं देखे तो जा करके देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आगे जैसे जैसे वीडियोज आते रहे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए पीछे मेरे प्यारा सा व्यू। तो अभी हम लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं पहले मंदिर जाने का, क्योंकि टुडे इज माई बर्थडे। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा। तो आज हम मंदिर जाएंगे, पहले भगवान का दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर क्या क्या करते हैं वो आपको दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग गाड़ी पे बैठ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल। तो हमने गाड़ी रिजर्व कर ली है, क्योंकि बहुत जगह घूमना और बहुत आइडिया हमें नहीं है यहाँ के रोड्स के बारे में। तो हमने गाड़ी बुक कर ली है और उसके बाद फिर हम दिन भर इसी में टूर करेंगे। आज हम तीनों पीछे बैठे हैं और आदि आगे बैठे हुए। तो लास्ट वाले ब्लॉग में तो आपने देखा ही होगा कि हमारा होटल नैनी लेक से 1 to 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो आज हम गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रैक करके नहीं। और नैना देवी टेम्पल भी वहीं पे है, मॉल रोड और नैनी लेक के पास। सो फ्रेंड्स, गाड़ी वाले ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया मॉल रोड में। अब यहाँ से हम पहले मंदिर जाएंगे नैना देवी टेम्पल, वहाँ पर भगवान का दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। कहाँ जाते हैं देखते हैं। ब्लॉग के बाद बने रहो, तभी आपको पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ कहाँ गई और क्या क्या किया। तो सामने देखो, अब वहाँ पे माउंटेन में कैसे बादल नीचे नीचे आ गए एकदम। तो गाड़ी वाले ने हमें पार्किंग के पास ड्रॉप कर दिया था। अब हम यहाँ से वॉक करते हुए नैना देवी टेम्पल की तरफ जा रहे हैं और ये है प्यारा नैनी लेक का व्यू। तो अभी हम हैं मॉल रोड में और नैना लेक हमारे सामने है इधर, जो नैनी लेक जिसको बोलते हैं। हमने अभी यहाँ पे बोटिंग नहीं किया है, हम करेंगे, हमारा प्लान में है ये, बट पहले मंदिर जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज मेरा बर्थडे है, तो आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं अपने बर्थडे के दिन यहाँ नैनीताल आई और माता रानी के दर्शन करने का मुझे मौका मिला। तो ये मंदिर के बाहर में एक मार्केट है, तिब्बतियन मार्केट। यहाँ पे आपको विंटर वेयर्स और बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। यहाँ पे खाने पीने के भी कई ऑप्शंस है। तो फिलहाल हम जाते हैं मंदिर की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नैना देवी टेम्पल के बाहर और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ है सामने नैना देवी जी का टेम्पल, तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, टेम्पल विजिट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यही है नैनीताल का फेमस नैना देवी जी का मंदिर। और यही मंदिर के बाहर में आपको एक प्रसाद का शॉप भी मिल जाएगा और मंदिर के पास में ही जूते चप्पल रखने का एक अलग से काउंटर बनाया गया है। तो इस मंदिर की कई सारी मान्यताएं हैं, जिसमें से एक सबसे फेमस मान्यता यह है कि यहाँ पे माता सती के आँख गिरे थे जब शिव जी उन्हें कैलाश लेकर जा रहे थे। और इसे माता के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और आज मुझे अपने बर्थडे के दिन इनके दर्शन करने को मिले, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। नैनी झील से एकदम बगल में ही है यह नैना माता का टेंपल। एक मान्यता यह भी है कि माता सती के आंख इसी नैनी झील में गिरे थे, जिसकी वजह से इस झील का नाम नैनी झील रखा गया। और इस झील का आकार भी बिल्कुल एक आंख की तरह है। अगर आप थोड़े हाइट पे जा करके या कोई ड्रोन व्यू देखो तो आपको पता चलेगा कि इस झील का आकार बिल्कुल एक आंख की तरह है। सचमुच ये सब बिल्कुल ही अद्भुत है। दर्शन
इस मंदिर की एक मान्यता यह भी है कि अगर आप सच्चे मन से यहाँ माता रानी के दर्शन करो तो आपके आँखों से रिलेटेड समस्या दूर हो जाती है। यहाँ नैनी लेक में कई प्रकार की मछलियाँ हैं, पर यहाँ मछलियाँ पकड़ना बैन है। सच में बहुत ही सुंदर नज़ारा था नैना देवी के मंदिर से, ये पूरा नैनीताल शहर नज़र आ रहा था। तो फ्रेंड्स, हमारे दर्शन हो गए, पूजा भी कर लिया हमने, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। पहले कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मंदिर में ऐसे ही बेंचेस बने हुए हैं कई सारे, ताकि आप यहाँ बैठकर कुछ देर शांति से माता का ध्यान कर सको और ये प्यारा सा व्यू एंजॉय कर सको। तो हम भी यहाँ कुछ देर के लिए बैठ गए, अच्छा लग रहा था। तो टेंपल दर्शन करने के बाद अब हमारा प्लान है कुछ पेट पूजा करने का, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और अभी ब्रेकफास्ट का भी टाइम निकलने वाला है। तो चलो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं डोसा, पराठा, कोई छोला भटूरा, तो यही सब हम ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं वापस गाड़ी वाले के पास। तो अगर आप साइट सीइंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ लोकल के साथ गाड़ी बुक करके आप घूम सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उनको आइडिया रहता है, उनको ये पहाड़ों पर चलाने का भी आइडिया है, ड्राइव करने का अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना देख लेना। और ये मेरे पीछे जो है ये है तिब्बतन मार्केट, यहाँ पर अगर आपको स्वेटर, शॉल, विंटर की कुछ भी शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर गाड़ी वाले के पास। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर सच में बहुत अच्छा लगता है और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई करूँ। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाकर के फॉलो कर लो। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाती हूँ कि उसके बाद हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या घूमे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, बेल आइकन हिट कर देना ताकि आगे जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।